हेलो भाई, मैं हूँ सोनू सैनी। तो यार आज हम ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं इस ऑल न्यू हुंडई एक्स्टर का। तो आज हमारे पास इसका ना SXO ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल है, जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जिसमें आपको पता ही है 89 BHP और 113 Nm का टॉर्क मिलता है भाई इस गाड़ी में। और आज हम इसको ड्राइव करके देखेंगे कैसा कुछ ड्राइव रिव्यू है इस गाड़ी का, जो कि हमारे पास इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल है भाई। देख सकते हो यहाँ पे भी स्मार्ट ऑटो लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको इसका 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ कैसी कुछ है गाड़ी ओवरऑल। मतलब मेरे हिसाब से तो यार काफ़ी अच्छी गाड़ी आई है यार इस बजट में। देखो रियर लुक कैसी कुछ है इसकी हुंडई एक्स्टर की। तो इसका ना ड्राइव रिव्यू करके देखेंगे, ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल है इसका, चला के देखेंगे कैसी कुछ है। तो भाई अभी हमारे पास इसका SXO ऑटोमेटिक वेरिएंट देख सकते हो, ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका ड्राइवर भी देख रहे हैं कैसी कुछ है चलने में गाड़ी। भाई ओवरऑल इंटीरियर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो आपका न्योस और ओरम आता है ना, सेम एज इट इज़ वही आपको इंटीरियर मिलता है। बस इसमें क्या है, आपको ऑल ब्लैक थीम मिलती है इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। और अगर मैं बाकी बात करूँ इंजन की, तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, कुछ पता भी लग रहा है गाड़ी स्टार्ट है और चल रही है, कोई साइलेंट, कोई नॉइस वगैरह, कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मतलब चलने में गाड़ी। तो अगर ओवरऑल बात करूँ तो इसमें अभी ना मेरी आंखों के सामने बिल्कुल कैमरा और प्रॉपर मेरे को बोनट भी विजिबल हो रहा है गाड़ी का। तो अभी ना इसको मैनुअल में ड्राइव करके देखते हैं क्या कुछ है, थोड़ी पिकअप वगैरह देखते हैं गाड़ी की। भाई थोड़ी अच्छी है गाड़ी की, मतलब पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छी है, मतलब चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और एज सच मतलब किसी को ओवरटेक वगैरह भी करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से हो जाएगी। मतलब देखो अगर एक लग से एक्सीलेटर प्रेस करते हो उठती है गाड़ी काफ़ी, और हल्की सी ना इंजन की साउंड आती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप हार्ड एक्सीलेटर करते हो। बाकी ओवरऑल मतलब चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और फील काफ़ी अच्छी आ रही है गाड़ी के अंदर बैठ के भी। अभी इसको ऑटोमेटिक पे लगाता हूँ, ड्राइव पे लगा दिया देखो, जो कि रश में काफ़ी ज़्यादा काम भी आता है भाई चलाने में ड्राइव। और ये जैसे हल्का सा एक्सीलेट करते हो तभी उठती है एकदम से गाड़ी। बाकी देखो अभी थर्ड गियर में चल रही है, जैसे मैं हार्ड एक्सेलेरेट करूंगा सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट करेगी एकदम से, किया डाउन शिफ्ट और बाकी एकदम से, मतलब काफ़ी अच्छी है पिकअप वगैरह, मतलब मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में, फन टू ड्राइव कर रहा है भाई। मतलब छोटा सा ड्राइव रिव्यू है, मतलब सिटी ड्राइव रिव्यू कैसी है चलाने में। मतलब अगर कोई इसको परचेज कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें कवर हो रही है। एक तो आपको ऊंची गाड़ी मिल रही है कम प्राइस में, जिसका अभी टॉप मॉडल है जैसे मेरे पास इसका SXO ऑटोमेटिक कनेक्टेड, इसमें डैश कैम भी मिल रहा है आपको, आई होप सो आपको पता होगा डैश कैम भी मिल रहा है इसमें, और ब्लू लिंक का फीचर भी है इसमें। तो इसका एक शोरूम है 9,99,990 रुपीज़, मतलब 10 रुपये कम है 10 लाख रुपये से। तो एज सच मतलब मेरे हिसाब से तो भाई वर्थ है गाड़ी पे पैसे खर्च करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाड़ी हुंडई एक्स्टर, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है भाई। मतलब कस्टमर्स का रिएक्शन काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब पब्लिक रिएक्शन सब पसंद कर रहे हैं गाड़ी को भी, हाँ जी अच्छी है गाड़ी देखने में भी, लुक वाइज भी, और ड्राइव करने में भी काफ़ी अच्छी है। तो एक सेकेंड भाई लाइट हो गई है, आफ्टर दैट थोड़ी सी एक्सीलेट करके देखूंगा मैनुअल में इसे। फर्स्ट गियर लगा दिया, खाली है रोड बिल्कुल ही, फर्स्ट गियर, और RPM गया आपका 6,000 RPM पे जाके गियर चेंज कर लेती है, मतलब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो भाई ऐसा कुछ था मेरे इस गाड़ी के साथ ड्राइवर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।